तो बाबलो खेल खेल में मूवी देख ली है, रिव्यू करते हैं। देखो अक्सर बाजी का समय ही खराब चल रहा है या फिर वो इसे जानबूझकर खराब कर रहे हैं, क्योंकि साल में 5 फिल्में देने के बाद जिसमें से 3 वाकई में बेहुदा होती हैं पर बाकी की जो 2 होती हैं वो वाकई अच्छी ही होती हैं, वो भी बेहुदा लिस्ट में काउंटेड हो जाती हैं अपने आप ही। यस, आफ्टर बड़ी मियां छोटी मियां जैसी बेहुदा मूवी देने के बाद खेल खेल में और इससे पहले एक सरफिरा मूवी आई थी, भाई दोनों सॉलिड मूवी हैं। खेल खेल में बहुत सॉलिड मूवी है, फुल पैसा वसूल मूवी है, लेकिन नो हाइप और पास्ट रिकॉर्ड खराब होने के वजह से भाई साहब भरोसा भी खत्म है लोगों का, साथ में गलत टाइम पर रिलीज करा तो वो अलग भांग भूस रहा है। और खेल खेल में मूवी आपको फुल चिपका के रखेगी, फुल कॉमेडी मूवी है और लास्ट में विद गुड इमोशन एक फाइन लेसन भी डिलीवर करती है। भी है 4 दोस्तों के बीच की कहानी जिसमें से 3 की बीवियां भी इसमें इन्वॉल्व होंगी और एक बंदा जो गे होता है। दे दिया स्पॉइलर, भाई कर लो जो कुछ करना है। एक ही रूम की पूरी कहानी है और बड़ा अतरंगी सा पर्सनल लाइफ खोलने वाला गेम खेलते हैं जिसमें सारे फोन्स अनलॉक्ड मोड में टेबल पर रखे जाते हैं और जो भी फोन में आएगा या बजेगा वो 7ों के बीच में पढ़ा या सुना जाएगा, नॉट पर्सनली पब्लिकली, और यहां से सबके घोड़े लगने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा तरंगी, थोड़ा फन मिजाज में और लास्ट में कतई फाइट एंड इमोशनल मिजाज में। अब ये सारा गेम पूरी रात ऐसे ही चलता रहेगा और एक एक करके सबकी अंदर की सच्चाई निकलेगी सबके सामने। इसी बीच आपस में कई अनबंद भी देखने को मिलेगी, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े भी होंगे और मज़ा भी भरपूर आएगा, लेकिन एटलीस्ट सबको लाइफ की वैल्यू पता चलेगी एट द एंड, शादी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, जहां अपने पार्टनर को समझना बहुत जरूरी है, जो एक फाइन वैल्यूएबल लेसन था जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करके गया है। सबसे ज़्यादा मजे भाई साहब इसमें आपको अक्षय पाजी का कैरेक्टर दिला के जाएगा, उसके बाद तापसी पन्नू का वो डम्ब रोल भाई जबरदस्त है वो, देन उसके बाद एमी विर्क पाजी ने भी आग लगा रखी है और बाकी के कैरेक्टर भी दिलाएंगे मजे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो हाईलाइटेड रहेंगे और जो मजे दिलाएंगे भाई यही 3 कैरेक्टर रहेंगे। अक्षय पाजी को वेल मैच्योर्ड एक जबरदस्त मचा हुआ इंसान दिखा रखा है जो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, हर एक सिचुएशन से कैसे डील करनी होती है ही नोज बेटर, और वो आपको इसमें देखने को मिलेगा और वो फाइन था भाई। मूवी शुरू से ही एंगेजिंग रहेगी, 2 घंटे कम निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बॉलीवुड वैसे तो काफ़ी वाहियात मूवी निकालता है, लेकिन अभी एक साथ 3 ब्लॉकबस्टर मूवी दे रखी है, स्त्री 2, वेदा और 3री अपनी खेल खेल में। तो भाई कुछ भी नहीं है करने को तो भाई मूवी देखो यार, 3ों मूवी जबरदस्त। बाकी और किस किस ने ये मूवी देख ली, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ रिव्यू देने के लिए, जिसने भी देख लिया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई साहब नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो यार, मेहनत लगती है बाबा, सपोर्ट चाहिए। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।